बंगाल में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, ये बात अब्बास ने कह दी है। लेफ्ट के साथ इंडियन सेकुलर फ्रंट का गठबंधन बरकरार रहेगा और बंगाल में 24 घंटे के भीतर ही ये संयुक्त मोर्चा एक तरीके से इसमें ये टूट आ गई, ये संयुक्त मोर्चा टूट गया। अगर संयुक्त मोर्चे में, क्योंकि उसमें लेफ्ट और वाम मोर्चा दोनों ही हैं, और लेफ्ट अकोमोडेट नहीं कर रहा है, लेफ्ट के साथ आईएसएफ भी अकोमोडेट नहीं कर रहा है, वाम मोर्चे के साथ आईएसएफ सॉफ्ट है और ये कह रहा है कि इन्होंने अकोमोडेट किया, तो ये साफ दिख रहा है कि बनने से पहले तस्वीर बिगड़ गई। और ये लड़ाई किस बात की है? ये लड़ाई स्पष्ट है इस बात की है कि अगर माइनॉरिटी वोट्स जो हैं उनका साइजेबल चंक किसी को मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वो लिमिटिंग फैक्टर होगा, निश्चित रूप से वो जिताने वाला फैक्टर होगा। इस बात की लड़ाई चल रही है। अगर तृणमूल कांग्रेस से छिटकता है वोटर तो किधर जाएगा? हमारी तरफ आए। कांग्रेस और वाम मोर्चा क्या का ये गठबंधन बनने से पहले एक तरीके से इसमें दरकाव जो है वो क्या इशारा कर रही है और ये किसको फायदा पहुंचाएगा? जितेंद्र तिवारी समय जरा इस बात को समझ लो। जितेंद्र तिवारी, क्या स्ट्रैटेजी चल रही है और इसमें तृणमूल कांग्रेस खुद को कहां पाता है? देखिए, हमारी पार्टी की स्पष्ट नीति रही है कि हम जाति के धर्म पर के नाम पर वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए जो भी सताए हुए लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, जिनके लिए सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उनके लिए हम काम करते हैं और हम कट्टरता के खिलाफ हैं। चाहे हिंदू धर्म में कोई कट्टर हो और कट्टरता के कारण दूसरे का जान लेने का प्रयास करता हो, चाहे मुस्लिम धर्म में कोई ऐसा कट्टर व्यक्ति हो जो दूसरे का जान लेने का प्रयास करता हो, किसी भी कट्टरता के हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे को प्यार करें। बंगाल की संस्कृति रही है, काजी नजरुल ने लिखा कि मोरा एक ही ब्रिंते दूसरी कुसुम हिंदू मुसलमान, तो हम एक साथ सबको लेकर चलने की संस्कृति में विश्वास रखते हैं। जहां तक जॉन बर्ला साहब जो बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी के बारे में, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने उन्हें यह मौका दिया, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता के साथ साथ बंगाल के जिन लोगों ने वोट देकर उन्हें सांसद बनाया, बंगाल से इतनी घृणा ना करें, बंगाल के उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञता स्वीकार करें जिन्होंने आपको सांसद बनाया। आप ऐसा बंगाल के लोगों को आप भूल जा रहे हैं। आपके पार्टी के बड़े नेता जिनकी कृपा दृष्टि आप पर है उनके बारे में इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बंगाल की जनता जिनने आपको सांसद बनाया, जिनने आपको यह पहचान दी, उनके बारे में आप एक भी उनके प्रशंसा में या उनके तो आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया या इस पर जवाब भी चाहते हैं आप? जितेंद्र तिवारी, जॉन बार्ला का नहीं, मैंने स्टेटमेंट दे दिया उस समझदार के लिए इशारा का। नहीं तो ले भी लीजिए, थोड़ा सा उनसे जवाब भी ले लीजिए, वो किस तरह नजरिए से देखते हैं। जॉन बार्ला क्विकली प्लीज। देखिए तिवारी जी, आप कुछ दिन बाद में आप भी आप गेरुआ टीका लगा के आपको स्वागत किया जाएगा, चिंता मत कीजिए। अरे जॉन बार्ला साहब, इस बार क्या कमी रह गई? जॉन बार्ला साहब, तिवारी जी पहले तो मन बना चुके थे, कह रहे हैं दहलीज तक आ भी गए थे, फिर हो क्या गया? आप लोगों से क्या कमी रह गई? ये आने वाला है, ये इसका मन बना लिए है ना, लोग उनके साथ टूट चुके हैं। चलिए ये विषयांतर हो जाएगा, जरा उस पर चलें जहां पर ये बात कही जा रही है कि क्या मुस्लिम माइनॉरिटी को एक वोटर के तौर पर ही देखा गया और उनको स्थिति वैसी ही रखी गई, बद से बदतर होती चली गई, इसीलिए पहले उन्होंने एक पर अपना भरोसा रखा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, और अब उनको ये लगने लगा है कि इनमें से हमको अब चुनना पड़ेगा और वक्त के हिसाब से हर बार अलग अलग फैसले करने पड़ेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।